देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अभी पुट्टी का काम चल रहा है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। मैंने कुछ दिनों पहले ही जो है दुम्मा बॉर्डर का ये शौचालय एवं स्नानागार दिखाया था और मैं फिर से जो है वहीं पर आ चुका हूं। देखिए मेरे पीछे जो है बिहार झारखंड का ये दुम्मा बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो है शौचालय का जब मैंने काम दिखाया था उसमें जो है टाइल्स वगैरह लगने के लिए काम प्रारंभ भी हुआ था और आप देख सकते हैं कितना जल्दी जो है इधर स्नानागार में टाइल्स वगैरह सारा कुछ लग चुका है और अंदर की तरफ भी कैसा जो है टाइल्स वगैरह लगा है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बगल में जो है शौचालय है, दो शौचालय है यहाँ पर जो है, उधर भी पुट्टी वगैरह का काम चल रहा है। तो क्या कुछ काम अभी चल रहा है और कितना काम कंप्लीट हुआ है, चलिए वो आज हम आपको दिखाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन जब आप ऑन कीजिएगा तभी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगा और आपको जानकारी मिल जाएगी जो है सावन मेला 2023 की क्या तैयारी चल रही है। तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और ब्लॉग में बनी रहिए। चलिए आज हम दिखाते हैं कितना जो है काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको इससे पहले जब शौचालय में यहाँ पर टाइल्स वगैरह नहीं लगा था उस समय मैंने आपको दिखाया था और अभी देखिए कुछ ही दिन हुआ है वो ब्लॉग जो है पोस्ट किए हुआ, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है टाइल्स वगैरह लग चुका है ये जो जहाँ पर ये काम चल रहा था। और चलिए अंदर की तरफ भी हमको लिए चलते हैं और इधर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना जो है अभी सुंदर लग रहा है ये स्नानागार, ये देख सकते हैं आप पूरे में जो है ये टाइल्स लग चुका है। अब जो है नीचे का काम यहाँ पर बाकी रह गया है, नीचे भी जब वो पूरा होगा वो फिर से मैं आपको आके यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है फवारा वगैरह सारा में लगेगा वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ ये जो काम चल रहा था ये टाइल्स लगाने का काम जो है पूरा हो चुका है ये स्नानागार में। और चलिए अब जो है यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं जिधर शौचालय है, उधर भी जो है काम चल रहा है। इसके इस तरफ जो है शौचालय था वो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था, चलिए इस बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो है इस प्रकार का कांवर रखने का जो है आपको बहुत ही मजबूत मिल जाएगा, पूरा ढलाई किया हुआ। और ये देखिए ये जो शौचालय है यहाँ पर जो है अभी पुट्टी का काम चल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर जो है अभी पुट्टी किया जा रहा है, भैया जी लोग यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। और जो है शौचालय का भी यहाँ पर जो है ये पेन वगैरह बैठने का काम चल रहा है। देखिए पूरे में इस प्रकार से जो है सावन मेले में अब लगभग जो है 20 दिन का समय बचा हुआ है तो उससे पहले ही जो है सब कोई तैयार करेंगे, क्योंकि इसी महीने में जो है ये काम पूरा करके जो है हैंडओवर करने वाले हैं। जैसा कि जो काम यहाँ का लिए हुए टेंडर वो बता रहे थे भैया, इसलिए देखिए अब जो है कितना तेज़ी से काम चल रहा है। उधर जो टाइल्स वगैरह लगने का था वो तो पूरे में लग चुका है और इधर देखिए पुट्टी वगैरह का काम यहाँ पर चल रहा है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और शौचालय का भी जो है ये पेन वगैरह सारा कुछ लग चुका है, अब नीचे का जो है काम बाकी रह गया और फिर दरवाज़ा लगना, तो ये भी जैसे पूरा होगा वो भी मैं आपको आके दिखाऊँगा। देखिए किस प्रकार से जो है एकदम बहुत ही अच्छी तरह से जो अभी काम किया जा रहा है पूरे कांवरिया पथ में। और ये दुम्मा बॉर्डर के पास का ये मैं दिखा रहा हूँ शौचालय एवं स्नानागार। तो मैंने आपको वो जो है स्नानागार दिखा दिया, उसके बाद ये वाला जो शौचालय है यहाँ पर जो काम चल रहा है वो हमने दिखा और बगल में भी एक और जो है शौचालय है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो है पेन वगैरह अभी लगना बाकी है और ये देख सकते हैं बाकी पाइप वगैरह जो है नीचे वो बैठ चुका है। दोनों जो है शौचालय में आपको यहाँ पर इस प्रकार का नल देखने को मिल जाएगा, एक नल इसमें है और ये जो बगल वाला शौचालय हमने दिखाया इसमें भी जो है एक नल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हमको लगता है और 10 दिनों में पूरा जो है काम मतलब कंप्लीट हो जाएगा और काम भी कंप्लीट होगा उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। और इधर जो है कांवरिया पथ में भी बालू जो है बिछने का काम अभी चल ही रहा है, इसमें जो है बालू लेवल किया जाएगा, बालू पूरे में जो है डंप कर दिया गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से अभी काम चल रहा है पूरे कांवरिया पथ में और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्नाना मतलब शौचालय एवं स्नानागार में कितना जो है तीव्र गति से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं मैंने जो पहले दिखाया उधर का स्नानागार और ये एक और स्नानागार है यही दुम्मा बॉर्डर का, जिसमें नीचे का जो है काम अब प्रारंभ हो चुका है। देख सकते हैं नीचे भी टाइल्स लगेगा जिसका जो है यहाँ पर बालू वगैरह यहाँ नापा जा रहा है। तो ये टाइल्स जब लग के पूरा कंप्लीट होगा तो मैंने पहले ही बताया वो पूरा आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर भी जो है आपको इस प्रकार से और एक स्नानागार और शौचालय सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। पूरा अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है बहुत सारा जो है व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए एक शौचालय वहाँ हुआ, स्नानागार यहाँ हुआ, इधर जो है शौचालय दो गो है, उधर जो है एक स्नानागार है। कुल मिला के यहाँ पर बहुत ही अधिक व्यवस्था जो है कांवरियों के लिए मिलता है। तो जैसे ये पूरा कम्प्लीट होगा मैं उसके बाद आपको दिखाऊँगा। तो मैंने आपको दिखाया दुम्मा बॉर्डर के पास यहाँ पर जो है
शौचालय एवं स्नानागार में कितना जो है तीव्र गति से काम चल रहा है। आपको कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था जो है टाइल्स लगने का काम चल रहा था, लेकिन अभी जो है जैसे ही मैं कुछ दिनों बाद आया तो यहाँ पर जो है आपने देखा दीवार का टाइल्स जो है लग चुका है, नीचे का टाइल्स लगना बाकी है और शौचालय में भी बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है। हमको लगता है 10 दिनों में जो है पूरा काम कम्प्लीट हो जाएगा और काम कम्प्लीट होने के बाद मैं आपको फिर से आके दिखाऊंगा जो किस प्रकार का ये जो है पूरा स्नानागार एवं शौचालय पूरा आप लोगों के लिए जो है बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कवरियापत के और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय मां पार्वती।